साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। गिरिराज सिंह का पलटवार, हमें आरएसएस का स्वयंसेवक होने का गर्व, क्या लालू कह सकते हैं कि वो पीएफआई के सदस्य हैं? राहुल गांधी को देख अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई लड़की, ऐसी जादू की झप्पी देकर कराया शांत। शर्तों के साथ मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार है अशोक गहलोत, सोनिया से मुलाकात के बाद हो सकता है नामांकन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देवी पंडाल में बजाया ठाक, मंत्री मेयर फिरहाद हाकिम ने भी अजमाया हाथ। असम के होजाई जिले के डीसी और एडीसी ने निलंबित, सीएम विश्व शर्मा के आदेश पर हुई कार्रवाई। गांव में आशा कार्यकर्ताओं को 4,500 रुपए दुर्गा पूजा बोनस, ममता बनर्जी ने किया ऐलान। ओडिशा के बालासोर में एक फैक्ट्री से अमोनिया गैस लीक, 25 से ज्यादा महिला मजदूर बीमार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और ईसीआई को जारी किया नोटिस, आपराधिक रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ने से रोकने वाली याचिका पर मांगा जवाब। पीएफआई के बाद आरएसएस पर बैन लगाने की मांग, कांग्रेस सांसद के बाद लालू यादव बोले दोनों संगठनों का काम एक जैसा है, एक पर पाबंदी नहीं क्यों? ममता की दुआरे राशन योजना को हाईकोर्ट ने बताया अवैध, कहा ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के खिलाफ। पीएफआई पर बैन के बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट, विरोध रोकने सेंसिटिव एरिया में बने 3 जोन, फोर्स का एक हिस्सा भी रिजर्व। देश को मिला नया सीडीएस जनरल बिपिन रावत, की मौत के 9 महीने बाद ले जनरल अनिल चौहान की नियुक्ति। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 2 बार खड़ी बसों में हुई रहस्यमयी धमाके, जांच में जुटी एजेंसियां। पार्थ अर्पिता पर नए खुलासे, ममता के पूर्व मंत्री ने पत्नी के शेयर अर्पिता के नाम के थाईलैंड घुमाया। अंकिता के परिवार को मुआवजा देने पर कुमार विश्वास खफा, पूछा जनता के पैसे से मदद क्यों? अलीगढ़ में ट्रक ने धान से भरे ट्रैक्टर को मारी टक्कर, ट्रैक्टर सवार बाप बेटा हुआ गंभीर रूप से घायल, इलाज के दौरान हुई बेटे की मौत। अयोध्या में नई सुधर रहे परिषदीय विद्यालयों के अध्यापक, अध्यापन कार्य के समय कुर्सी पर सोने का वीडियो हुआ वायरल। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर स्टंटबाजी और बर्थडे पार्टी, रात होते ही सज जाती है महफिल, पुलिस ने 11 दिन में 45 लड़के पकड़े। पूजा करती है इसे परिवार के साथ जिंदा जला दो, अलीगढ़ में दुर्गा पूजा करने वाली भाजपा नेत्री रूबी को धमकी, पोस्टर चिपकाया।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 50 छात्र पर मुकदमा। फीस वृद्धि के विरोध में छात्रों ने 20 सितंबर को चीफ प्रोक्टर से मारपीट की थी। इटावा में बिजली विजिलेंस टीम ने चलाया चेकिंग अभियान। बिजली चोरी करते पकड़ा एक को, टीम ने दर्ज कराया मुकदमा। कानपुर में बेटी के 14 साल के प्रेमी को बेरहमी से हत्या। कान काटा, सरिया खोप कर मार डाला। ललितपुर में मां बेटी को कुएं में मिला शव। भाई बोला बहन के पति और उसके प्रेमी ने हत्या कर कुएं में फेंका। मथुरा में पिता ने की 10 साल के मासूम बेटे की हत्या। गंदे पैर लेकर बेड पर चढ़ा तो डंडे से इतना पीटा कि मासूम की मौत हो गई। अति के करीबियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। फनगांव में अवैध प्लांटिंग के बाद कराई थी बाउंड्री। मुरादाबाद में बेटी का रेपिस्ट बाप गिरफ्तार। सगी बेटी से 1 साल से कर रहा था रेप। मुंह खोलने पर हत्या की धमकी देता था। बम की ट्रेनिंग ले चुके 3 पीएफआई के सदस्य गिरफ्तार। इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के ट्रेनिंग मॉड्यूल के दस्तावेज मिले। पीलीभीत में नाले से शव लेकर निकले लोग। गांव से शमशान स्थल तक पहुंचने का नहीं रास्ता। 20 साल से नहीं बना कोई प्रधान। बलिया सड़क हादसे में 2 युवक की मौत। दोस्त को लेकर जा रहा था घर। लोग बोले दोनों हमेशा रहते थे साथ। आगरा में मनकामेश्वर मंदिर की रामलीला में उमड़ रहे भक्त। श्रीराम ने किया ताड़का का संहार। देवगढ़ों ने आकाश से बरसाए फूल। बलिया में अपराधी को किया गया जिला बदर। पुलिस ने 6 महीने के लिए भेजा बिहार। समय समय पर देनी होगी मौजूदगी। मऊ में मुख्तार गिरोह के सदस्य के सील मकान में लगी आग। 46 करोड़ मकान की लागत। 7 सितंबर को हुई थी कार्रवाई। डोर टू डोर चेकिंग अभियान। बिजली चोरी करके 5 पकड़े गए। अन्य को दी गई चेतावनी। गांव के आम रास्ते पर अवैध कब्जा। परेशान हुए ग्रामीण। डीएम से बताई अपनी समस्या। हाथरस के गांव में घुसा मगरमच्छ। ग्रामीणों ने पकड़कर बांधा। नहीं पहुंचा वन विभाग का कोई कर्मचारी। अमरोहा में शादी से पहले दूल्हे की खुली पोल। दूसरी शादी बरासंग पहुंचा था। पहली पत्नी भी मौके पर पहुंची। फतेहपुर में एसएसपी और एसएसपी ने अलग अलग स्थानों पर किया निरीक्षण। अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज करने का निर्देश। अंबेडकर नगर संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रक में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। जांच में जुटी पुलिस। बरेली में पीएफआई को लेकर अलर्ट। एडीजी ने जारी किया निर्देश। खुफिया एजेंसियों को किया सतर्क।
औरैया में महिला का यमुना नदी में हाथ पैर बंधा हुआ मिला शव, ग्रामीणों ने हत्या कर शव फेंके जाने की जताई आशंका। कानपुर देहात का लाचार जिला प्रशासन, पोस्टमार्टम के बाद वाहन मिलने से शव को हाथों में जाते परिजन, वीडियो हुआ वायरल। देश के नए अटॉर्नी जनरल होंगे वरिष्ठ वकील आर वेंकटरमानी। आर वेंकटरमानी 1 अक्टूबर से पद संभालेंगे, कार्यकाल 3 साल का होगा। नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद, आधा दर्जन दबंगों ने युवक की बेरहमी से पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। अलीगढ़ में धूमधाम से निकाली गई राम की बारात, पुलिस की निगरानी में निकली गई बारात। विधानसभा के भर्ती घपले में अब तक 205 कर्मियों की सेवाएं समाप्त, 23 नियुक्तियों के संबंध में आज जारी होंगे पत्र। उत्तराखंड में आज होगा प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी। अंकिता हत्या पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बोले, अंकिता हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराए सरकार। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सीडीएस को दी बधाई, कहा कश्मीर में 7 कर चुके हैं काम। उत्तराखंड के पौड़ी के रहने वाले सीडीएस अनिल चौहान 5 साल पहले परिवार सहित आए थे गांव। उत्तराखंड में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए झटका, राज्य में फिर महंगी हुई बिजली। उत्तराखंड में हिमपात से तापमान में गिरावट, गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बंद। एकेश्वर के बडियार गांव में पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, 21 बकरियां व 30 मुर्गियों को बनाया निवाला। ऋषिकेश के अंकिता को लेकर इंटरनेट मीडिया पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन, हरिद्वार देहरादून हाईवे पर लगाया जाम। उत्तराखंड में सिस्टम की कृपा से हाकम बनता रहा आलिशान रिसोर्ट, यहां नेताओं और नौकरशाह की खूब हुई खातिरदारी। अंकिता हत्या मामले में 7 से 9 अक्टूबर के बीच मंत्रा में होनी थी बड़ी पार्टी, 22 वीआईपी करने वाले थे शिरकत। उत्तराखंड में लगातार बढ़ा डेंगू का प्रकोप, रोजाना मिल रहे नए मरीज, 57 और लोगों में पुष्टि। उत्तराखंड में शुष्क मौसम का तापमान पर दिखा असर, अगले 3 वर्षा के आसार नहीं। धामी मंत्रिमंडल को विस्तार के लिए करना पड़ेगा इंतजार, हाईकमान से सीएम को नहीं मिली हरी झंडी। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म करने के आदेश क्यों नहीं माना, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से मांगा जवाब। जयशंकर ने कहा यूएनएसजी में सुधार को नकारा नहीं जा सकता, अमेरिका ने किया भारत का समर्थन।
दुनिया बुराई करती रहे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे पुतिन, यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में रूस में विलय को तैयारी। पाकिस्तान में अब इमरान खान का ऑडियो लीक, विदेशी साजिश को जिम्मेदार ठहराने की कर रहे थे प्लानिंग। अमेरिका में फिर हुई फायरिंग, कैलिफोर्निया के स्कूल में संदिग्ध ने चलाई गोलियां, कई घायल। उत्तर कोरिया ने फिर दागी ब्लास्टिक मिसाइल, कुछ दिन पहले ही किया था परीक्षण। नाटो की रिपोर्ट में खुलासा, मादक पदार्थ की हेराफेरी में संलिप्त है पाकिस्तानी सेना और तालिबान। फ्लोरिडा में इयान तूफान से तबाही, 8.5 लाख घरों की बिजली गुल, भारी बारिश से प्रवासियों से भरी नाव डूबी। यूक्रेन में रूस करा रहा है फर्जी जनमत संग्रह, लोग बोले बंदूक की नोक पर कराई वोटिंग, 20% यूक्रेन पर कब्जे की तैयारी में है पुतिन। इराक के कुर्दिस्तान इलाके में ईरान ने दागी मिसाइल, 13 की मौत, 58 घायल। पाकिस्तान को बाढ़ से हुआ $28 अरब का नुकसान, 5% हुआ गरीबी में इजाफा। नवंबर से बंद हो सकती है वोडा आइडिया की सर्विस, इंडस टावर्स ने कर्ज न चुकाने पर सेवाएं बंद करने की चेतावनी दी। आकाश अंबानी टाइम्स ऑन नेक्स्ट लिस्ट में शामिल, दुनिया के उभरते सितारों की लिस्ट में अकेले भारतीय। केंद्रीय कर्मचारियों को 4% बढ़ा महंगाई भत्ता, 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों पेंशनर्स को फायदा। नोकिया का लो बजट T10 टैबलेट लॉन्च, इसमें पहले 8 इंच नेटफ्लिक्स SD सर्टिफाइड स्क्रीन, शुरुआती कीमत 11,799। जरूरत से ज्यादा क्षमता वाली कार खरीद सकते हैं अमेरिकी, 95% अमेरिकी रोजाना 50 किलोमीटर से कम कार चलाते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया फिर रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद, पहली बार 82 पार गया डॉलर। दुनिया के शेयर बाजारों में भारत का बेहतर प्रदर्शन, चीन के शेयर बाजार में 16% की गिरावट। विकास दर में कमी और महंगाई ने बढ़ाई वैश्विक मंदी की चिंता, कारोबारी गतिविधियां रुकी। घरेलू गैस की कीमतों में 50% की वृद्धि संभव, पारिक समिति ने रिपोर्ट के लिए समय और मांगा। सिम के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट देने वाले व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर फर्जी पहचान पर होगी जेल। गरबा करते ही नजर आए नीरज चोपड़ा, गुजरात में चल रहे नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने गए हैं। KL राहुल ने धोनी स्टाइल में छक्के से दिलाई जीत, रोहित शर्मा ने तोड़ा धोनी का रिकॉर्ड।
ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जैक लेहमन ने इजाद किया अनोखा शॉट, बल्ले को पीछे से बाउंड्री लगाकर सभी को चौंकाया। सूर्य की तूफान में उड़ा साउथ अफ्रीका, सूर्य कुमार यादव ने चारों तरफ की लाजवाब शॉट्स की बारिश। पाकिस्तान के डेब्यूटेंट गेंदबाज आमिर जमान के खिलाफ दिग्गज मोइन अली हुए फेल, पाक ने पांचवें मैच में इंग्लैंड को 6 रन से हराया। भारत ने साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से हराया, सूर्य कुमार यादव ने 191 के स्ट्राइक रेट से 33 गेंद में बनाए 50 रन। रायपुर के मैदान पर सचिन और होने लगी बारिश, तेंदुलकर को कप्तानी में इंडिया लीजेंड्स का पहला सेमीफाइनल, बारिश ने रोका मैच। आईसीसी टी20 में रैंकिंग में सूर्या की चमक, नंबर 2 पर पहुंचा भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को भी एक पायदान का फायदा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उमेश अय्यर को मौका, हार्दिक और भुवी को रेस्ट, आज के टी20 में अर्शदीप की वापसी हो सकती है। सिर्फ 11 सेकंड में अर्शदीप का कहर, नागिन स्विंग के लहक ने जीत लिया फैंस का दिल। दीपिका से अलगाव की खबरों पर रणबीर का रिएक्शन, बोली भगवान का शुक्र है कि हम मिले और 10 साल से साथ हैं। केआरके ने फिल्म रिव्यू ना करने का किया ऐलान, कहा अभी भी धमकियां मिल रही हैं, कई और फेक केस बढ़। सलमान ने रश्मिका मंदाना के साथ किया डांस, अवार्ड फंक्शन के स्टेज पर पुष्पा के सामी सामी सॉन्ग पर लगाए ठुमके। कंगना रनौत का एयरपोर्ट लुक, व्हाइट साड़ी में दिखा ग्लैमरस और अवतार खूबसूरती देख फैंस हुए इंप्रेस। बिग बॉस 16 का लॉन्च इवेंट, फुल स्वैग में दिखे सलमान खान, ब्लैक लुक ने जीता फैंस का दिल। रणबीर कपूर ने दिया फैंस को सरप्राइज, घर के बाहर लगी थी भीड़, बर्थडे पर की मुलाकात, केक भी काटा। नेहा कक्कड़ ने शेयर किया खूबसूरत वीडियो, क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की पत्नी धनश्री वर्मा को खास अंदाज में किया बर्थडे विश। श्वेता तिवारी ने शेयर किया फनी वीडियो, सेट पर पलक के साथ मस्ती करती दिखी, फैंस को पसंद आई मां बेटी की बॉन्डिंग। शादी के लिए दिल्ली रवाना हुए रिचा और अली, 4 अक्टूबर को लेंगे साथ फिर सजावट होगी खास। विदेश में विवादों में गिरी पोनियन स्लेवन, एक कनाडा के थिएटर मालिकों को मिली धमकियां। फिलहाल के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।